तेनाली राम जब से महाराज कृष्णदेव राय की सेवा में आए थे तब से एक ही बात उन्हें सता रही थी कि विजयनगर के ब्राह्मण बड़े लालची हैं और वे धर्म कर्म की उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाकर आए दिन महाराज को लूटते रहते थे। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय ने सभा में बताया कि मरते समय हमारी मां को आम खाने की इच्छा थी, मगर उनकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी। क्या अब ऐसा कुछ हो सकता है कि मेरी मां की आत्मा को शांति मिले? ये मसला राजपुरोहित से संबंधित था, अतः किसी के बोलने से पहले वे बोले, महाराज उपाय मैं बताता हूं। हां हां कहिए राजपुरोहित जी, महाराज कृष्णदेव राय ने कहा, आपसे अच्छा सुझाव इस विषय में भला और कौन दे सकता है? महाराज मेरा सुझाव तो ये है कि 108 ब्राह्मणों को एक एक सोने का आम दक्षिणा स्वरूप भेंट किया जाए, इसी प्रकार राजमाता की आत्मा को शांति प्राप्त हो सकती है। उसकी लालच भरी यह बात सुनकर जहां तेनाली राम के तन बदन में आग लग गई, वहीं महाराज खुश हो उठे और तुरंत सोने के 108 आम दान करने की घोषणा कर दी। अब तो बात हद से गुजरती जा रही है, मन ही मन तेनाली राम ने सोचा, इन ब्राह्मणों को कोई सबक सिखाना होगा, किंतु अभी फिलहाल उन्हें कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी, इसलिए वे मन मसोस कर रह गए। मगर कुछ दिन बाद उन्हें एक अवसर प्राप्त हुआ। हुआ यूं कि तेनाली राम की मां की मृत्यु हो गई, उन्होंने विधिवत उनका अंतिम संस्कार कराया और 13वें के लिए राजपुरोहित सहित 108 ब्राह्मणों को अपने निवास पर आमंत्रित किया। 13वीं के सभी कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हुए। ब्राह्मणों ने खूब डटकर माल उड़ाया। फिर तेनाली राम की आदेश पर सभी ब्राह्मणों को एक अलग कक्ष में बिठाया गया। वहां आकर तेनाली राम ने नौकरों को इशारा किया। इशारा पाते ही नौकर दहकती हुई सलाखें लेकर उपस्थित हो गए। इन सभी को गर्म सलाखों से घुटनों पर दागा जाए। ये सुनते ही सभी ब्राह्मणों में चीख पुकार मच गई। वे उठकर भागने लगे तो तेनाली राम के नौकरों ने पकड़ लिया और फिर एक एक करके सभी के घुटनों पे सलाखें दागी गईं। बात महाराज कृष्णदेव राय तक पहुंची तो उन्होंने तेनाली राम को तलब किया और ब्राह्मणों के साथ की गई इस अभद्रता का कारण पूछा। तब तेनाली राम ने कहा, महाराज दरअसल बात यह है कि मेरी मां के पैर के जोड़ों में दर्द रहता था। उन्हें एक वैद्य ने बताया था कि उनके घुटने लोहे की गर्म सलाखों से दागे जाएं तो उनका रोग जाता रहेगा, वरना 7 जन्म तक भी पीछा नहीं छोड़ेगा। अब उनकी यह इच्छा पूर्ण होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। तब मैंने ये रास्ता अपनाया। जब ब्राह्मणों को सोने के आम दान देने से राजमाता की अंतिम इच्छा पूर्ण हो सकती है तो क्या इस प्रकार से मेरी मां का रोग दूर नहीं हो सकता? तेनाली राम की बात सुनकर सब कुछ समझकर महाराज जोर से हंस पड़े, जबकि राजपुरोहित सहित सभी ब्राह्मणों के सिर शर्म से झुक गए।